सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शहर में जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, प्रदेश की मनोहर सरकार को दी चेतावनी, नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में 5 दिवसीय भूख हड़ताल जारी है। इस कड़ी में रोहतक के सफाई कर्मचारी भी हड़ताल में भाग ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश की मनोहर सरकार को मांगे न मानने पर चेतावनी भी दे डाली। नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारी पूरे हरियाणा में 12-12 घंटे की 5 दिन के लिए भूख हड़ताल चली हुई है। जिस लड़ी में हमें आज रोहतक नगर निगम के गेट पर 4 दिन की हड़ताल को लेकर बैठे हैं। हम इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार 16 दिन की हड़ताल के बाद जो 24 मई को समझौता हुआ था, उस समझौते को लागू करे। सरकार ने आज तक भी कोई समझौता लागू न करके कर्मचारियों को राहत नहीं दी है। हम इसी लड़ी में कल सोनीपत माननीय कैबिनेट मंत्री कविता जैन जी के पति राजीव जैन जी, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है, हम उनसे मिले थे। हमने उनको भी कहा कि जब हमारा 24 मई को समझौता हुआ था सरकार के साथ, आप उस समय मौजूद थे, लेकिन सरकार उस समय के समझौते को लागू न करते हुए कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। हमने उनको समय दिया कि सरकार के पास अभी समय है, हमारी 21 से 25 तारीख की जो भूख हड़ताल है, इसी बीच सरकार से बात करके हमें कोई ना कोई हल निकाली, वरना हमें 1 तारीख को मसाल जुलूस निकालेंगे। 1 तारीख के मसाल जुलूस के बाद भी सरकार अगर हमारी बात मानती है तो ठीक है, वरना 3, 4, 5 अक्टूबर की हमारे 3 दिन की फिर हड़ताल, भूख हड़ताल, सारे काम छोड़ करके हमारी हड़ताल चलेगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। और अब की बार जिस प्रकार हमने 24 मई को समझौता किया था, वो हमारा समझौता तो मौखिक रूप से हो गया था। हमने सरकार पर वादा विश्वास कर लिया, सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सारे वादे पूरे होंगे। हमारे विश्वास को सरकार ने ना मानते हुए विश्वासघात किया। अब के बार 3, 4, 5 अक्टूबर की हड़ताल के बाद अगर सरकार समझौते कर बुलाती है, अब के बार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मौखिक रूप से नहीं लिखित रूप में समझौता करेगी। लिखित रूप में सरकार समझौता करते तो ठीक है, वरना हमारी हड़ताल अनिश्चितकाल से जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार खुद होगी।